जी हाँ दोस्तों, हम जब भी देखते हैं कि टीवी पर हमारे सामने आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके भाषण को सुनने में हम सब इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी वेशभूषा, उनके पहनावे को नहीं देख पाते हैं। जहाँ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपनी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, जैसे हेयर स्टाइल से लेकर कुर्ते के कटिंग तक का, कि किस प्रकार से उनको क्या पहनना है और किस प्रकार से दिखना है। तो इसी प्रकार से कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने रख रखाव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने कभी गौर से अगर इनकी एक बात को गौर क्या हो, फोकस क्या हो, तो आपने पाया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तो अपने हाथ की घड़ी को उल्टी कर देते हैं। यानी कि जैसे कि हम अपनी कलाई के ऊपर की तरफ रखते हैं, लेकिन कलाई के नीचे की तरफ रख देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। आपको बताया दोस्तों कि हाल फिलहाल में हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से कोरोना वायरस के चलते जब जब देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण आता है तो लोग टकटकी लगाए देखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो उनको गौर करनी चाहिए, लेकिन वह नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं। आपको बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ की कलाई घड़ी को उल्टा इसलिए कर देते हैं मीटिंग के दौरान, खासकर मीटिंग के दौरान, क्योंकि वह नहीं चाहते कि अगर जो सामने व्यक्ति बैठा है तो नरेंद्र मोदी जी उनकी आंखों में देखने के बाद अपनी घड़ी की ओर इशारा करें, ताकि उनको ये फील ना हो कि आखिर मोदी जी को कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही, उनको कहीं जाना तो नहीं है। तो ऐसे में मोदी जी अपने हाथ पे उल्टी तरफ की कलाई की उल्टी तरफ घड़ी कर लेते हैं, जिसके बाद कलाई ऐसी रखी रहती है और धीरे से नीचे की तरफ नज़र मार रहे थे तो उनको समय दिख जाता है। यानी उनको पता चल रहा था कि अब समय हो गया मीटिंग समाप्त करने का या फिर मीटिंग को और लंबा खींचने का। तो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार अक्षय कुमार जी के साथ भी ये बड़ा खुलासा किया था, जब उनका चुनावी इस साल होना था, यानी कि जब उनके चुनाव नज़दीक थे तो उनका एक इंटरव्यू ऐसा शेयर हुआ था, काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था कि वह नहीं चाहते कि किसी भी सामने वाले व्यक्ति को, सज्जन पुरुष को, ये लगे कि वह उनसे ऊब गए हैं, वह उनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो इसलिए बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी घड़ी को उल्टी दिशा की तरफ कर लेते हैं, अपनी कलाई की उल्टी तरफ कर लेते हैं, जिससे वे हाथ को रख लेते हैं अपने टेबल के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर हाथ रख लेते हैं, उसके बाद चुपके से नीचे नज़र मार लेते हैं और फिर समय देख भी लेते हैं, ताकि उनको पता चल जाता है कि अब समय हो गया, तो बातों को घुमा फिरा के वे बात ख़त्म करके उस मीटिंग को ख़त्म कर देते हैं, या फिर अगर मीटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता तो मीटिंग को लंबा खींचते हैं। तो ये कहानी है कुछ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से अपने जीवन में कौन कौन से नए बदलाव ला रखे हैं, जिस वजह से ये आज इतने अच्छे मुकाम पे है। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी एक ऐसी मोटिवेशनल बातें बताते हैं जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी। वह कहते हैं कि स्वभाव से आशावादी वे व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से इनकी कहानी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हर चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखते हैं। जहाँ इस मुश्किल घड़ी में 130 से लेकर 40 करोड़ के देश की आबादी को इतनी दिमाग संतुलन करके संभाले हुए हैं, शायद ही अगर कोई व्यक्ति होता तो इतनी कठिन परिस्थिति में इस मुकाम पर आकर कहीं ना कहीं अपना पेशा छुड़वाना जरूर चाहता। बताए दोस्तों कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन के सिर्फ, यानी पूरे 24 घंटे में देखा जाए तो 3.5 घंटे सोते हैं, और जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला है तब से उन्होंने कोई छुट्टी भी नहीं ली है। ये सोच विचार करने वाली है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भारतीय होने के, नागरिक होने के नाते, हमें भी भारत देश की उन्नति में अपना योगदान करना चाहिए कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो कि सरकार द्वारा आयोजित करे जाते हैं कुछ नियम उनके अंतर्गत। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ मोटिवेशन बातें जो आपको जरूर पसंद आई होगी। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी और भी अन्य रोचक बातें लाएंगे, लेकिन आप जब ही जान पाएंगे जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देंगे जो सब्सक्राइब के बटन के बगल में है। दबा दीजिए बेल आइकन के बटन को ताकि हमारी अपडेट आप पाते रहें। और ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ही बताएं कि हाँ दोस्तों, कि हम और ऐसी खबरें जानना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।